तालाब को नखाली कराने को लेकर क्षेत्रीय दुकानदारों ने उठाई आवाज। फिरोजाबाद के कैला देवी मंदिर के पास हुए मसले को लेकर एकजुट बोले नगर निगम महापौर ने उठाया यहां 20 लाख का टेंडर। सौंदर्यकरण कार्य भी जल्द कराया जाए शुरू। फिरोजाबाद के कैला देवी मंदिर के पास बने तालाब पर अवैध तरीके से कब्जे की बात कहते हुए कुछ दुकानदारों ने इसका विरोध जताते हुए मीडिया से दर्द बयां किया। क्षेत्रीय प्रसाद विक्रेताओं का कहना था कि कुछ लोग कब्जा करने के प्रयास से तालाब खाली कराने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने सुना है। कहा कि वर्षों पुराना तालाब है, इससे सबकी आस्था जुड़ी है, आज तक इस तालाब में किसी की मौत नहीं हुई। दूसरा बताया महापौर नूतन राठौर ने कुछ महापूर्व सौंदर्यकरण को टेंडर भी दे रखा है, कुछ महापूर्व ठेकेदार की शिकायत पर काम रुका हुआ है, बाकी उन सबका यही कहना है इस तालाब को खाली नहीं कराया जाए, बस यही हमारी मंशा है। बाकी जो सौंदर्यकरण का काम को लेकर टेंडर उठा है उस पर जल्द काम शुरू हो जाए। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या है पूरा काम? देखिए हमारे संज्ञान में ये आया है कि ये हनुमान सरोवर है, राजराजेश्वरी किला देवी मंदिर के सामने ये बहुत सुंदर तालाब है, इसमें पानी भरा रहता है। तो जैसे हमारी रामलीला महोत्सव सिद्धि की एक समर लगी हुई है ट्यूबवेल के नाम से, जो पूरे यहाँ के दुकानदारों को पानी की सप्लाई करती है, कभी पानी ख़त्म नहीं होता है, जल स्तर हमेशा ऊंचा ही रहता है इस तालाब की वजह से। तो कुछ लोगों ने कहा है कि इसको खाली कराओ, तो हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि तालाब खाली नहीं होना चाहिए, पानी हमेशा रहना चाहिए। दूसरी हमारे संज्ञान में यही बात ला गई है कि डेंगू आ रहा है, मच्छर फैल रहे हैं, गंदगी, जो 2019 में कोरोना काल में अभी इस पवित्र भूमि में, ये दिव्य भूमि है, यहाँ सारे देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, इसमें एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है कोरोना काल के समय पर। ये बोर्ड लगा सौंदर्यकरण का, ये 20 लाख, ये बैंक कुमारी नूतन राठौर ने 20 लाख रुपए का यहाँ पर टेंडर भी दे रखा है सौंदर्यकरण के लिए। कितना समय हो गया इसको? ये अभी 6 महीने पहले ही इस पर काम रुका हुआ है। 6 महीने से पहले किसी ने इस उन ठेकेदार के खिलाफ किसी घटिया सामग्री का या किसी भी विषय में लेकर के कोई शिकायत कर दी थी, तो यहाँ ये विवादित भी बनी हुई है, कोई कुछ चाह रहा है, कोई कुछ चाह रहा है। तो मैं तो भगवान श्री राम से, केला मैया से, हनुमान जी महाराज से ये कहता हूँ कि सारे संकटों को दूर करके इस पवित्र भूमि को बचाए रखें, और मैं नगर निगम प्रशासन से ये कह रहा हूँ कि इस तालाब के सौंदर्यकरण के लिए यहाँ पे एक सफाई कर्मचारी रखा जाए जो इसकी देखभाल करे। ये ब्रह्म कुमारी का आश्रम है, उससे गंदगी आ रही है, पेशाब की, लैट्रीन की, ये सारे वो बंद होने चाहिए इस तालाब में आ रहे हैं। ये धार्मिक वो है कहने का मतलब, यहाँ पे सब कोरोना अभी पूरे शहर के लिए। आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्या है मसला, क्या है पूरा मामला? मेरा संजय पोरवाल मेरा नाम है, केला देवी मंदिर प्रसाद की दुकान है मेरी। कल हमको शाम को ऐसा अवगत हुआ था कि ये तालाब खाली किया जा रहा है। हमारे योगी सरकार ने जो तालाब के लिए, जो बनाने के लिए, जो जीरो उद्धार के लिए जो पैसा भेजा था, इसका सुंदरीकरण जो होना था, यहाँ के लोग वाग जो लगे हुए हैं इसको खाली कराने के चक्कर में, ऐसे कौन से संविधान में लिखा हुआ है जो तालाब खाली हो? और मतलब कब्जा है किसी का, कब्जा ही करने के चक्कर में जब खाली करा रहे हैं, तो हमें तो उम्मीद ऐसी लग रही है। और ये बोर्ड लगा है सौंदर्यकरण का, 20 लाख का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे जाली लगने की बात थी, बच्चों की नाप के लिए बात थी, वो तो कुछ नहीं हुआ। और एक यहाँ पर गेट निकलना था, अभी नगर निगम ने जो हमारी बहन नूतन राठौर का जन्म भी नहीं हुआ होगा उसके पहले का ये तालाब है, उनका पूछा जाए कि ये तालाब था कि नहीं था, इसको खाली कराने के कितने आदेश दिए। आप लोग चाहते क्या है मार्केट वाले? हम ये चाहते हैं कि ये तालाब बिल्कुल खाली नहीं हो, ये हमारी काली रेल है, भगवान राम का यहाँ वनवास होता है, और लंबी पूछ वाले हनुमान जी के जो मिर्जा बेग ने जो 52 बीघा जो जगह दान दी थी, सबका ये तालाब है,